श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक प्रैक्टिकल यंत्र बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा। ये यंत्र सर्व बाधा विनाशनक यंत्र है, भैरव जी का यंत्र है, काल भैरव का, मेरे इष्ट का। और इस यंत्र को गुप्त रूप से अपने घर में रखते हैं। अगर आपके व्यापार में कहीं पर कोई परेशानी है तो व्यापार में इस यंत्र को रख सकते हैं। घर में लगता है कि काला जादू का प्रभाव है तो वहां रख सकते हैं। घर में किसी का तबीयत बहुत खराब हो रहा है तो उसके बिस्तर के कोने पर रख सकते हैं। इस यंत्र को छुपा के रखा जाता है, ये यंत्र किसी के दृष्टि में नहीं पड़ना चाहिए। भैरव यंत्र, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि भैरव यंत्र कभी भी खुले में नहीं रहता है, ठीक है? खुले में आप भैरव यंत्र को नहीं रख सकते हैं। पहले मैं आपको इस यंत्र को बनाने का विधान बता देता हूं, उसके बाद फिर इसका उपयोग बताऊंगा कि कैसे करना है। देखो, अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी यंत्र बनाने के लिए। ये भोजपत्र है, ये एक पंचमुखी रुद्राक्ष है, ठीक है? ये एक पुष्प का भाग है। इससे बेहतर एक और उपाय है, वो मैं आपको अभी यंत्र बनाते टाइम बताऊंगा। एक ये आपको जेवर की दुकान में मिल जाएगा, एक ऐसा बक्सा है। पहले चांदी की डिबिया प्रयोग होती थी, अब हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है? क्योंकि चांदी की डिबिया कहाँ से आएगी। और ये भैरव धागा है, स्पेटिक की माला है, ठीक है? ये सारी सामग्री जो है ये मिला करके आपके भैरव यंत्र को तैयार करेगा। करना क्या है, इसके अलावा एक छोटा सा चांदी का एक तार आपको चाहिए होगा भैरव यंत्र में रखने के लिए। सबसे पहले अभी जो यंत्र मैं सिखा रहा हूं, ये जो भोजपत्र पे मैं यंत्र बनाऊंगा, जिस मंत्र से बनाऊंगा, इस मंत्र से आपको हवन करना है, ठीक है? मतलब जमीन पर जो यंत्र मैं यहां सिखा रहा हूं, पहले किसी एक रविवार को जमीन पर ये यंत्र बना करके उसके सामने 108 बार हवन करना है, ठीक है? जब आप हवन करेंगे तो ये जो धागा है उसमें सिद्ध होगा, ठीक है? फिर इस धागा का प्रयोग हम लोग यहां पर जो है इस यंत्र को बनाने में करेंगे। तो क्या यंत्र बनाएंगे हम लोग, ऐसा एक भोजपत्र लेंगे, भोजपत्र पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहां से यहां हम पहला लाइन खींचेंगे लाल कलम से और बोलेंगे ओमकार किलित कपाल कुंडली दंड पाड़ी स्वरूप, ठीक है? फिर यहां से यहां एक लाइन खींचेंगे और बोलेंगे तिमिर नील बयाल यज्ञो पवित्री, ठीक है? फिर यहां से एक लाइन यहां खींचेंगे, ठीक है? और बोलेंगे करतु समय सपार्य विघ्न विच्छेद हेतु जयति वटुकनाथ सिद्ध दा अपना नाम, ठीक है? उसके बाद इस जगह पर हम लिखेंगे ओम, बीच में लिखेंगे रिम, इस कोने में लिखेंगे कू और इस कोने में लिखेंगे वंग, ठीक है? ये स्वरूप आप जमीन पर बनाएंगे किसी रविवार को पहले, और जब आप हवन करेंगे तो हवन करेंगे लौंग से, गूगल से, ठीक है? 9 लकड़ी लेंगे, पहली लकड़ी यहां से यहां डालेंगे, दूसरी यहां से यहां, तीसरी यहां से यहां, ऐसे 3 लेयर लकड़ी डालेंगे, बीच में नारियल का कोपर डालेंगे। उससे पहले बीज जो है वो रिम बीच में लिखेंगे सिर्फ, उसके ऊपर नारियल का कोपर डालेंगे और हवन करेंगे 108 बार आहुति। जहां पर ये लकड़ी का आप हवन कुंड बनाएंगे उसके ठीक नीचे आप ये यंत्र बनाएंगे, पूरा बीज अक्षर लिख करके, ठीक अपने और उस हवन कुंड के बीच में। मान लीजिए आप यहां बैठ रहे हैं तो यहां ये यंत्र बनेगा और ये यहां पे हवन कुंड रहेगा, ठीक है? जहां पर आपने ओम लिखा है, ठीक है, वहां काला उरद तेल में तला हुआ रखेंगे यंत्र पे, ठीक है? जहां पर आपने कू लिखा है वहां पे गुड़ और दही बड़ा रखेंगे और साथ में ये धागा रखेंगे, ठीक है? और इसके ऊपर से फिर कारण देंगे, मतलब शराब देंगे, ठीक है? जहां पर आपने वंग लिखा है
वहां पर दही डालेंगे और जो दीपक होगा चमेली के तेल का वो रिम पे रखेंगे। तो इस तरीके से आप यंत्र बनाएंगे। इस यंत्र के सामने हवन कुंड रहेगा और 108 बार आप जो भैरव का मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आपाद द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ये ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बटुक भैरव की जगह क्षेत्रपाल का मंत्र है, लेकिन इसी मंत्र से हम इसको सिद्ध करते हैं। तो 108 बार आप कर लेंगे तो आपका ये जो धागा है ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इस धागे का प्रयोग इस यंत्र में करेंगे। अब दूसरा जो चीज आता है वो है ये रुद्राक्ष। ठीक है, इस रुद्राक्ष को एक दिन आपको महादेव के रूप में, कालाग्नि रुद्र के रूप में स्थापित करना होगा अपने पूजा स्थान पर। नीचे जो अर्घा जिसको बोलते हैं उस अर्घा पे इसको स्थापित करेंगे। ठीक है, इसका पूर्ण रूप से अभिषेक करेंगे। ठीक है, और ओम हौं नमः शिवाय के नाम से इस पर 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो वो ये जो रुद्राक्ष है मेरा ये सिद्ध हो जाएगा इस यंत्र में आने के लिए। अब बचा ये, चाहे तो आप माँ भगवती को माला जो चढ़ाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, इससे उत्तम उपाय यह होता है कि माँ भगवती की प्रतिमा पर या फोटो पर चाहे तो 52 या 108 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिख करके पहनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भगवती की जब पूजा हो जाती है तो उसको उस माला को जब उतारा जाता है उसमें हर एक पत्ता को अर्घी कहते हैं। ठीक है, वो हर एक जो पत्ता है वो एक तरीके से ताबीज का काम करता है, तो उसको रख लेते हैं। तो वो या फिर माँ को चढ़ाए हुए जो पुष्प है उसके कुछ अंश आप रख लेंगे। ठीक है, इतना जब कार्यक्रम हो गया तो फिर से आप मंत्र बोलते हुए इस भोज पत्र पर इस यंत्र को बनाएंगे। यंत्र को बनाने के बाद इस यंत्र को आप ऐसे एक डब्बे में स्थापित करेंगे। ठीक है, ये यंत्र मेरा इस पे स्थापित हो गया। ठीक है, यंत्र के स्थापित होने के बाद जब भगवती की पूजा होती है तो उसमें लाल वस्त्र चढ़ता है, जिसे शालुक का वस्त्र है। तो शालुक के वस्त्र में 21 गांठ मारते हैं। देखो, ये जो शालुक का वस्त्र है इसको हम पतला फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें 21 गांठें मारते हैं एक के बाद एक। ये ऐसा हमने शालू का कपड़ा निकाल लिया, अब इसमें हम गांठ मारेंगे 21 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई के नाम से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई ऐसा बोल करके हम इसमें 21 गांठें मारेंगे। मैं 21 अभी नहीं मार रहा हूं क्योंकि सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूं। इस तरीके से 21 गांठें हम मारेंगे। ठीक है, 21 गांठ मार करके हम इसको इससे इस यंत्र को घेर देंगे। ठीक है, पूरा 21 गांठ मार के आप लोग लेकिन घेरिएगा इसको, ऐसे हम लोग घेरते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो रुद्राक्ष है इसको गुरु के नाम से इस पर रखते हैं। ध्याय शीर्षम शुक्लाम भजम द्विनेत्रम द्विभुजम गुरु श्वेतांबर परिधानम श्वेतमाल्यनुलेपनम वाराभ्यम करहस्तम करुणामय विग्रहम वामिनोत्पन्न धैर्शक्तिलिंगित विग्रहम सुप्रसन्न साधक अवश्य फलदायक तस्मै श्री गुरु नमः तस्मै श्री गुरु नमः तस्मै श्री गुरु नमः। इसको स्थापित करके फिर 108 बार आप ओम हौं नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे स्फटिक की माला से। ठीक है, ऐसे जब भी ओम हौं नमः शिवाय का जाप होता है वो स्फटिक की माला से ना हो करके रुद्राक्ष की माला से होता है, लेकिन सिर्फ इस विधान में उसको स्फटिक की माला से हम लोग करेंगे। इसको करने के बाद जो अर्घी है, चाहे वो पुष्प का टुकड़ा हो, अगर ओम नमः शिवाय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिखा हुआ है अगर वो है तो और उत्तम है। इसको आद्या माता के नाम से महादेव के साथ रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद ओम ह्रीं आद्या माता इस स्फटिक की माला से ओम ह्रीं आद्या माता ऐसा 108 जाप करेंगे। ठीक है, इतना कर लिया उसके बाद ये जो भैरव धागा है इसका काम आता है। इस भैरव धागा को आप खोल करके और 7 बार इसमें गांठ मारते हैं।
ठीक है, भैरव धागा वही है जो यज्ञ में से निकला है, इसको गांठ मारेंगे और फिर मंत्र बोलेंगे ओम भम भम भैरवाय फट। ठीक है, फिर दूसरा ओम भम भम काल भैरवाय फट, फिर तीसरा ओम भम भम बटुक भैरवाय फट। ठीक है, ओम भम भम स्वर्ण आकर्षण भैरवाय फट, फिर ओम भम भम क्षेत्रपाल भैरवाय फट। ठीक है, ऐसा करके ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5। फिर से जो इस छोर का भी कोना होगा वो भी क्षेत्रपाल के नाम से होगा, क्योंकि क्षेत्रपाल ही रोकते हैं, तो ओम क्षेत्रपाल भैरवाय फट स्वाहा, बम बम क्षेत्रपाल भैरवाय फट स्वाहा। उसके बाद दोनों कोना जोड़ेंगे ओम महाकाल भैरवाय हुम फट स्वाहा। ठीक है, ऐसा बोल करके ये ऐसा एक गोल माला जैसा बना देंगे। ठीक है, और जो शिव शक्ति है, 7 गांठें हो गई इसमें, 7 मंत्र से हुआ, और ये जो शिव शक्ति है ना, इसके चारों तरफ इसको ऐसे पहना देंगे, इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसमें ऐसे डाल करके अब ये मंत्र संपूर्ण है, इसीलिए अब धूप दीप नवेद, ठीक है, ये तीनों देंगे और फिर भम बम भैरवाय फट हम दूसरे मंत्र से प्रयोग करते हैं, लेकिन आम जनमानस को भम बम भैरवाय फट से करना चाहिए। तो भम बम भैरवाय फट के नाम से आप इसको एक जाप कर लेंगे, एक माला, उसके बाद इसका आप ढक्कन लगाएंगे। ठीक है, ढक्कन लगाने के बाद ये जो भैरव धागा आपको बचा है, हाँ, ओम इसको 5 बार बांधेंगे, ओम काल भैरवाय हुम फट स्वाहा, ओम काल भैरवाय हुम फट स्वाहा। ऐसा बांध करके जब 5 बार मंत्र पूरा हो जाए तो इसको तुरंत गुप्त कर देते हैं। इसको कैसे गुप्त करेंगे हम, इसको एक झोले में डाल के और फिर इसको बांध के और इसके ऊपर जो मुख है उसको भी बांध देते हैं। ताकि ये किसी को दिखे नहीं, इसके होने का आभास ही बहुत बड़ा होता है। तो ये तैयार हो गया आपका गृह रक्षा के लिए काल भैरव का ये। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसमें आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.com। आप सभी पे महादेव महाकाली और भैरव कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग खारिज।